अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू सी शार्प। सी शार्प को हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज सी शार्प। तो दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर। सी शार्प को हम डिफाइन इस तरह करेंगे, सी शार्प इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ प्री बिल्ड क्लासेस एंड इंटरफेसेस, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मुराद ये है कि उसमें फोर पिलर्स हैं। फोर पिलर्स जो होते हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसके अंदर जो है फोर पिलर्स लाजमी होंगे, जिसको जो कि बेस करता है और जो कि बताता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ये लैंग्वेज है। लिहाजा अगर आप सी शार्प में अगर न्यू हैं तो इसके लिए है कि आप जो है विजुअल स्टूडियो, जो हमारा विजुअल स्टूडियो एक बेस एडिटर है जिस पे हम सी शार्प को रन करते हैं और इसमें कोडिंग करते हैं। तो लिहाजा जब हम स्टार्ट करेंगे विजुअल स्टूडियो से, और चाहें तो आप नोट पैड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोडिंग को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट एडिटर है वो विजुअल स्टूडियो ही है। तो विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करने से पहले जो इसकी जो बेसिक जो गाइडलाइंस होती हैं उसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। मस्ट फॉलो दीज गाइडलाइंस जो है, इसमें यह है कि मस्ट जो आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये देखना है कि हमें उसको फॉलो करना है। मस्ट चेक प्रॉपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ कर्ली ब्रेसेस, यानी जो स्टार्टिंग ब्रेस है, ब्रेसेस हैं और एंडिंग ब्रेसेस है, इसको फॉलो लाजमी करना है। प्रोग्राम आपका शुड बी नेस्टेड होना चाहिए, और जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रेस करेंगे F5, और अगर कोई एक्सेप्शन आ जाता है, कोई भी एरर आ जाता है तो उसमें कंट्रोल F5 करके स्टॉप कर सकते हैं। और अगर आपको कंटिन्यूटी में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है तो F11 प्रेस करके आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो हम अब आते हैं, हम विजुअल स्टूडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं और एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे। तो लिहाजा हम फाइल पे जाते हैं, फाइल पे जाके न्यू पे जाते हैं, न्यू के अंदर फिर प्रोजेक्ट पे आएंगे, और प्रोजेक्ट में हम चूज़ करेंगे कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डी ड्राइव में, मेरे पीसी पे शो हो रहा है डी ड्राइव पे ये सेव हो रहा है, आप चाहें तो यहाँ से ब्राउज के थ्रू चेंज कर सकते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। कंसोल एप्लीकेशन मीन्स ब्लैक स्क्रीन, जैसा कि आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है। यूजिंग जो सिस्टम, ये सारे सिस्टम यूज हुए हैं, यूजिंग लाइब्रेरीज हैं, और मेन जो क्लास प्रोग्राम है बाय डिफॉल्ट जो इसमें मेन क्लास यहाँ शो होगा, और जो हम स्टैटिक वॉइड, और ये जो यहाँ शो हो रहा है स्टैटिक मेन फंक्शन, ये आपका ब्रेन है। ये क्लास जो एक प्रोग्राम का एक ब्रेन है, और यहीं से स्टार्ट करते हैं किस जो भी प्रोग्राम, जो भी कोडिंग करेंगे वो मेन से ही स्टार्ट करेंगे। मेन पे जाके हम कोडिंग करते हैं और यहीं से रन होता है। जिस तरह एक ह्यूमन में ब्रेन होता है, ब्रेन को हम यूज़ करेंगे तो सारा फंक्शन ब्रेन पे होता है। इंसानी ब्रेन अगर सही काम करता है तो वो एक्टिव है, और अगर इंसानी ह्यूमन ब्रेन अगर काम सही ना करे तो डेट इज़ डेड। तो जब हम यहाँ पे आके किसी भी कोडिंग प्रोग्राम को यहाँ से हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे console.राइट लाइन, सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, और यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कि यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर, और एंड में सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो हम console.readline यूज करेंगे, console.readline। कंसोल डॉट रीड लाइन से मुराद ये है कि स्क्रीन को आप होल्ड कर सकते हैं,
और विजुअल स्टूडियो में आप चाहें तो कोई भी वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। कंसोल एप्लीकेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर बेटर प्रैक्टिस के लिए। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग को, तो सी शार्प जो है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और डॉट नेट का ये पार्ट है, तो इसके थ्रू जो है आप कंसोल एप्लीकेशन के थ्रू बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा स्किल आप ला सकते हैं। तो लिहाजा इसको हम सबसे पहले बिल्ड करेंगे। बिल्ड इसलिए करते हैं ताकि इसमें आपको पता चले कि कोई एरर वगैरह शो ना हो। अगर एरर आता है तो एरर शो करेगा, लिहाजा आप देख रहे हैं बिल्ड वन सक्सीडेड जीरो फेल्ड, तो इसमें कोई एरर नहीं है। चाहे तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं, सेव ऑल कर सकते हैं और इसको आप रन करेंगे। रन करने के बाद आपके पास आउटपुट आएगा जो आपने दिया है, कंसोल डॉट राइट लाइन ये शो करता है कि आउटपुट है ये। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था जो कि मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट वे में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये आपको बहुत बेहतर लगा होगा और इसी तरह हम कंटिन्यू में लेक्चर वन के बाद लेक्चर टू कंटिन्यूटी में हम चलते रहेंगे। लिहाजा प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और मज़ीद अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप मुझे दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। And Allah Hafiz and take care.